वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विवान रुद्र कॉर्नर। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं किसी क्लास के बच्चों के लिए मैथ समर वेकेशन वर्कशीट। इससे पहले मैंने इंग्लिश की समर वेकेशन वर्कशीट आपके साथ शेयर की थी, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसको भी जाकर आप ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर कलर ओनली एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज द गिवन नंबर्स। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स बच्चों को ड्रॉ करके दे दिए जाते हैं इस तरह से, और उनके लिए कुछ नंबर दे दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, तो इस तरह से कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं। तो इन नंबर्स के अकॉर्डिंग इन ऑब्जेक्ट्स को बच्चों को कलर करना है। जैसे कि बच्चों को काउंट करते जाना है, नंबर कितना दिया है 5, तो 5 ऑब्जेक्ट्स को बच्चे काउंट करेंगे और कलर करेंगे। जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरह से बच्चे काउंट करते जाएंगे और इनको कलर करते जाएंगे। ठीक इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर नंबर दिया हमें 6, तो यहाँ पर 6 ट्रीज़ को हमें कलर करना है, 1, 2, 3। नेक्स्ट कुछ मैंगोज़ दे रखे हैं और नंबर दिया है 4, तो 4 मैंगोज़ को हमें कलर करना है, तो इसको भी कर लेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट ये हैं कुछ स्टार्स, 7 स्टार्स को कलर करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को घर पे करा सकते हैं, ये कलरिंग वर्कशीट है, बच्चे इसको काफ़ी इंजॉय करके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर द बिगर नंबर। तो यहाँ पर बच्चों को कुछ नंबर्स दिए गए हैं, नंबर कंपेयर करना है और जो भी बिगर नंबर है उसको कलर करना है। तो अपने अकॉर्डिंग बच्चा कोई भी कलर चूज़ कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर 20 एंड 30, सो विच वन इज़ बिगर, 30 इज़ बिगर, तो इसको हमें इस तरह से शेड कर देना है। नेक्स्ट है 96 एंड 95, सो विच वन इज़ ग्रेटर, 96 इज़ ग्रेटर। नेक्स्ट 3 एंड 8, तो 3 एंड 8 में विच वन इज़ ग्रेटर और बिगर, 8 को हमें इस तरह से शेड करना है। नेक्स्ट है 71 एंड 85, तो 71 एंड 85 में 85 बिगर है, 23, 24 में 24 बिगर है एंड 50 एंड 47 में 50 बिगर है। तो इस तरह की भी वर्कशीट आप बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर द स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पर स्मॉलर नंबर को कलर करना है, तो 31 एंड 35 में विच वन इज स्मॉलर, 31 इज स्मॉलर, तो इसको हमें इस तरह से शेड कर देना है। नेक्स्ट 67 एंड 48, तो 48 इज स्मॉलर, 99 एंड 100 में 99 इज स्मॉलर, 29 एंड 28 में 28 इज स्मॉलर, 50 एंड 55 में 50 स्मॉलर है एंड 8 एंड 9 में 8 स्मॉलर है। तो इस तरह की भी वर्कशीट आप बच्चों को घर पे ज़रूर प्रैक्टिस कराएं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट एंड ऐड। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, बच्चों को इन पिक्चर्स को काउंट करना है और जो भी नंबर आता है या सम आता है वो यहाँ पर फिल करना है। आज की जो भी वर्कशीट्स हैं उसमें आपको बच्चों को पेंसिल का यूज़ बहुत ही कम देखने को मिलेगा। आज की वर्कशीट में बच्चों को ज़्यादातर ये कलरिंग वर्कशीट है ताकि बच्चे इंजॉय कर और इसको कर पाएँ, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि समर वेकेशन में भी हमें वही बोरिंग होमवर्क करना पड़ रहा है, ताकि बच्चे कलर करके और कुछ नया सीख पाएँ। तो चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं तो इनको हमें काउंट करके और जो भी एडिशन आता है वो यहाँ पर लिख देना है। तो पिक्चर सिंपली काउंट कर लेंगे बच्चे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाउ मैनी बॉल्स, 10, तो यहाँ पर हमें 10 फिल कर देना है। नेक्स्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर 6 फिल कर देना है। तो इस तरह से भी बच्चों को आप एडिशन सिखा सकते हैं, एकदम से ईजिएस्ट मेथड होता है ये बच्चों को एडिशन सिखाने का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू द सम्स एंड मैच द आंसर्स। तो यहाँ पर कुछ सम्स दे रखे हैं, इनको करना है बच्चों को और जो भी यहाँ पर आंसर्स दे रखे हैं करेक्ट आंसर से मैच करना है। जैसे कि 10 + 6 होता है 16, तो यहाँ पर 16 लिखना है। नेक्स्ट है 5 × 2, 5 × 2 = 10, 8 − 1 = 7, 5 − 4 = 1, 5 + 5 = 10, 10 − 3 = 7, 4 × 4, 4 × 4 = 16, 1 + 0 = 1, 8 + 8
16, 2 + 5, 7। तो अब जो भी आंसर्स आए हैं यहाँ पर जो आंसर दे रखे हैं उनसे मैच करना है। जैसे कि 10 + 6 होता है 16, तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर लाकर 16 से मैच कर दिया। नेक्स्ट है 5 × 10, 5 × 10 होता है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लाएंगे और इसको यहाँ मैच कर देंगे। तो इस तरह से वर्कशीट्स बच्चों को कराने से बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सारे एक साथ रिवाइज हो जाते हैं और इसको बच्चे काफ़ी फन वे में करते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया 5 - 4, तो 5 - 4 होता है 1, तो इसको हमें 1 से मैच कर देना है इस तरह से। आप चाहे तो इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली करने के लिए दे सकते हैं। मैंने यहाँ समझाने के लिए इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली 5 × 10 होता है, बच्चा सीधा यहाँ पर जाकर इसको मैच कर देगा। नेक्स्ट है 5 + 5, तो 5 + 5 होता है 10, तो इसको हमें 10 से मैच करना है, तो इसको हम यहाँ से लाएंगे और यहाँ मैच कर देंगे। तो ठीक इसी तरह सारे हम मैच कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेड इट इक्वल। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स एंड डॉट्स दे रखे हैं, दोनों साइड को इक्वल करना है। जैसे यहाँ नंबर 2 दिया है, तो या तो आप बच्चे को बोल सकते हैं यहाँ पर 2 सर्कल कर लें डॉट्स को, या फिर जो भी एक्स्ट्रा है उनको कट कर दें। तो यहाँ पर हमें 2 को सर्कल कर लेना है और बाकी जो है उनको क्रॉस कर देना है, तो इक्वल हो गया। नेक्स्ट है 5, 5 यहाँ पर हमें सर्कल कर देना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको हम सर्कल कर लेंगे इस तरह से और बाकी जो है उनको हम इस तरह से क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है 6, तो 6 यहाँ पर डॉट्स को हमें सर्कल करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इनको हमें इस तरह से सर्कल कर लेना है, बाकी बच्चे उनको हमें इस तरह से क्रॉस करवा सकते हैं बच्चे से। नेक्स्ट है 4, तो 4 यहाँ पर हमें सर्कल करना है, बाकी क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह से भी आप बच्चों को वर्कशीट्स करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर द ट्रू सम्स एंड क्रॉस आउट द फॉल्स। तो जो भी ट्रू सम्स हैं उनको बच्चों को कलर करना है और जो भी फॉल्स हैं उनको क्या कर देना है, क्रॉस आउट कर देना है। जैसे कि फर्स्ट है 2 + 5 = 8, तो 2 + 5 = 7 होता है, यहाँ पर 8 दिया है, तो इसको हमें क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट है 3 + 6 = 9, इट इज़ राइट, तो इसको हमें इस तरह से कलर कर देंगे, तो इस तरह से इसको हम कलर कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे 4 + 5, तो 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है, यहाँ पर 10 दे रखा है, तो ये भी गलत है, इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है 5 + 5 = 10, 5 + 5 = 10 होता है, तो इसको हम कलर कर लेंगे, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे 3 + 4 = 9 होता है, गलत, 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है, इसको हमें क्रॉस करना है। नेक्स्ट है 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3 होता है, तो इसको हमें कलर कर देना इस तरह से। तो इस तरह की भी वर्कशीट आप बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी इंजॉय करके बच्चे इस टाइप की वर्कशीट्स को करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ पैटर्न्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कोड। तो यहाँ पर कुछ कोड दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पैटर्न्स को ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ नंबर दिए हैं 2, 1, 3, 4, 5, तो यहाँ पर जो भी जिस नंबर के लिए कोड दे रखा है वो यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि 2 के लिए हमें क्या ड्रॉ करना है, ट्राइंगल, 1 square, 3 arrow, 4 के लिए क्रॉस एंड 5, इस तरह से इसको हम ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह की भी वर्कशीट आप बच्चों को करा सकते हैं। सेम इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे, 4 के लिए हमें क्रॉस करना है, 5 के लिए इस तरह का पैटर्न ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है 1 के लिए हम स्क्वायर बनाएंगे। नेक्स्ट है 3 के लिए हम एरो एंड 2 के लिए ट्राइंगल। नेक्स्ट है 3, सबसे पहले 3 है, तो 3 के लिए हमें एरो बनाना है, 2 के लिए ट्राइंगल, स्क्वायर, क्रॉस एंड। तो ये थी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट आपको लगी, आई होप इन लगी होगी, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।